नमस्कार मित्रों, 10 मिनट में 50 क्वेश्चन को देखना ना भूलें। ये क्वेश्चन सभी परीक्षा क्षेत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे, ठीक है। तो इस हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर रहा, पिनकाठी राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है, ठीक है। आपकी जानकारी के लिए बता दूँ पहले कि जो हमारे राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, ये हिमाचल प्रदेश में 5 हैं, ठीक है। पहला हो गया आपके पास ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, पिन पार्वती, खीरगंगा हो गया, सिब्बलवाड़ा हो गया, और अंत में हो गया आपका इंद्र किला, और उत्तर हो गया इसका लाहौल स्पीति। पिन घाटी कहाँ है? लाहौल स्पीति में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालाटोप वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? कालाटोप वन्य जीव अभ्यारण्य जो है हमारा, ये हमारा है चंबा में, ठीक है। और सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो है शिल्ली, और सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? ये है किब्बर, ठीक है ना। तो इसका उत्तर क्या होगा? चंबा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, रविंद्रनाथ टैगोर ने हिमाचल प्रदेश में कुछ महीने किस स्थान पर गुजारे थे, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में रविंद्रनाथ टैगोर जी भी आए, ये किस गांव गुजारे थे? डलहौजी में। कहाँ गुजारे थे? डलहौजी में, ठीक है। ये चंबा पड़ता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जसवा राज्य का संस्थापक कौन था? जसवा राज्य का जो संस्थापक था ये था पूरण चंद, ठीक है। जसवा कहाँ पड़ता है? ये हमारा है ऊना जिले के अंदर, राइट। नेक्स्ट वन, लाहौल स्पीति में बौद्ध धर्म किसने अपनाया था? बौद्ध धर्म किसने अपनाया था? ये अपनाया था बदम संभव ने, ठीक है। ये 8वीं सदी की बात है, 8वीं शताब्दी की बात है, ठीक है। और इन्होंने ही हिमाचल प्रदेश में बौद्ध धर्म को अपनाया था। नेक्स्ट, ताबोमत किस प्रदेश में है? ये है हिमाचल प्रदेश में, और ये हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में स्थित है। अगर आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछना है तो ये स्पीति में स्थित है। कहाँ है? स्पीति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रियासत, किस राजा, किस सिरमौर के राजा ने अपनी राजधानी राजभवन में राजभवन से कलसी, वैसे उत्तर होगा कलसी, बदल दी थी, ठीक है। ये थी, ये है उदित प्रकाश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल्लू राज्य की स्थापना किसने की थी? जो कुल्लू जिला है, ठीक है, तब रियासत थी, किसने की थी इसकी स्थापना? वैंगम मणिपाल ने, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1871 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश की यात्रा की थी, ठीक है। ये की थी आपकी 1871, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से, ठीक है, लॉर्ड मेयो ने, ठीक है ना। नेक्स्ट वन, मियां चूचू और सूरत सिंह कहाँ के नेता थे, ठीक है ना, कहाँ के नेता थे, ठीक है ना। ये थे सिरमौर के, याद रखना आपने, ठीक है, कहाँ के थे? सिरमौर के, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिमला आने वाला पहला गवर्नर जनरल कौन था, ठीक है। ये था लॉर्ड एमर्स्ट, ठीक है। कौन था? लॉर्ड एमर्स्ट, ठीक है। और इसके साथ आता कि पक्का घर किसने बनाया था शिमला में? ये लॉर्ड कैनेडी ने बनाया था। किसने बनाया था? लॉर्ड कैनेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहेगा, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? कहाँ पर है? शिमला में, ठीक है। आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है? शिमला में है, ठीक है। कुफरी ज्योति आलू की फसल की किस्म है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रभागा किस स्थान पर मिलती है? जो चंद्रभागा नदी है किस स्थान पर मिलती है? ये मिलती है तांडी नामक स्थान पर, ठीक है। तांडी कहाँ पड़ता है? लाहौल स्पीति में पड़ता है, ठीक है ना। वहाँ से बनती है चिनाब नदी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंघोली की संधि कब हुई थी? ये हुई थी हमारे पास 1815 में, ठीक है, 28 नवंबर 1815 ईस्वी में हुई थी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है, ठीक है, या अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगा हुआ है, या अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है? यह है किन्नौर, ठीक है ना। शिमला तो नहीं है, ठीक है, चंबा भी नहीं है, इसका उत्तर होगा किन्नौर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिंजर मेला कहाँ लगता है? मिंजर जो मेला है ये काफ़ी सुप्रसिद्ध मेला है, ठीक है, जिस प्रकार रामपुर का लवी मेला, कुल्लू का दशहरा, मंडी की शिवरात्रि, और ये रेणु का मेला भी है प्रसिद्ध, ठीक है, उसी प्रकार चंबा में ये मिंजर मेला भी काफ़ी प्रचलित है, ठीक है। चंबक के राजा, नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबक के राजा सिंह और कांगड़ा के राजा संसार चंद के बीच में जो समझौता हुआ था, ठीक, कब हुआ था ये समझौता? ये हुआ था 1788 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हिमाचल प्रदेश के रितेश राज्यों का संस्थापक कौन था? सबसे पहले आपको बता दूँ, जो रितेश रियासत थी ये सबसे छोटी रियासत थी, ठीक है। जो इसका संस्थापक था वो था राय सिंह। क्या नाम है? राय सिंह, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलूर राज्यों
की स्थापना किसने की थी, ठीक है, जो केलूर रियासत थी, ठीक है, इसकी स्थापना की थी बीरचंद ने, किसने की थी, बीरचंद ने, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश में कमला नेहरू चिकित्सालय कहाँ है, ठीक है, कमला नेहरू कहाँ है, ये हमारे पास शिमला में, तो सबको पता होगा, ठीक है, कमला नेहरू शिमला में है, IGMC इंदिरा गांधी शिमला में है, महात्मा गांधी कहाँ है, रामपुर बुशहर में, ठीक है। नेक्स्ट, शिरगुल देवता कहाँ पूजे जाते हैं, ठीक है, किस जिले में शिरगुल देवता है, ये सिरमौर जिले में, ठीक है ना, और त्रिलोकपुर है सिरमौर में, ठीक है ना, और रेणुका देवी है सिरमौर में, ठीक है। नेक्स्ट वन, कांगड़ा जिले का मुख्यालय कहाँ है, धर्मशाला, ठीक है, और आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, जो धर्मशाला है हमारे, ये राजधानी भी है, कौन सी, विंटर कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट वन, वाइस परमार का राजनीतिक गुरु कौन था, ठीक है, वाइस परमार का राजनीतिक गुरु कौन था, चौधरी शेरजंग, याद रखना आपने, चौधरी शेरजंग, ठीक है, जो वाइस परमार थे, ये पहली मुख्यमंत्री थी हिमाचल प्रदेश की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश में IIM कहाँ है, IIM है हमारे पास सिरमौर में, और IIT है मंडी में, और NIT है हमीरपुर में, ठीक है, HPU है शिमला में, और हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी है हमारे पास नोनी में, और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है पालमपुर में, ठीक है। भुंडा उत्सव कितने वर्ष बाद मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 12 वर्ष बाद, ठीक है, ये कहाँ मनाया जाता है, ये मनाया जाता है निरमंड में, ठीक है, निरमंड हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में पड़ता है, ठीक है।